सूर्या, मैं जानती हूं तुम किस दौर से गुजर रहे हो। तुम्हें ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए जो तुमसे प्यार करती हो। दोनों घरों के बीच में जो दुश्मनी चली आ रही है, तुम्हें ही उसे खत्म करना होगा सूर्या। और उसके लिए तुम्हें अप्सरा से शादी करनी होगी। माँ, दुश्मनी मिटाने के लिए प्यार का गला घोटना खुदकुशी के बराबर है। यहाँ मेरे साथ आओ। तुम्हारी शादी से सिर्फ दो परिवारों की ही समस्या हल नहीं होगी सूर्या, बल्कि सारे गांव वालों को खुशी मिलेगी। तुम्हारे पिताजी को ये गांव वाले बहुत प्यारे थे और ये लोग भी उनका बहुत सम्मान करते थे। अगर इस गांव में माइनिंग करेंगे तो आजू बाजू के सभी गांव वालों को गांव छोड़कर जाने की नौबत आ जाएगी। इसलिए हर साल माइनिंग को नीलामी में खरीद कर माइनिंग करना छोड़ देते थे। इनकी भलाई के लिए उन्होंने कभी भी पैसे की परवाह नहीं की और आखिर में इनके लिए अपनी जान भी गंवा दी। भूल गया क्या सूर्या, आज उनकी फैमिली ने इन तक आने वाले पानी को रोक दिया है और पानी के बिना इनकी फसलें बेकार हो रही हैं। अगर इनके चेहरे पर मुस्कान वापस लानी है सूर्या, तो इन दो फैमिलीज को मिलना ही होगा। और अगर दोनों फैमिलीज को मिलाना है तो तुम्हें अप्सरा से शादी करनी होगी। अब फैसला तुम्हारा है बेटा। पत्री के मुताबिक आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसी के अनुसार हमने विवाह का दिन निश्चित किया है। सभी गणनाओं को ध्यान में रखकर स्वाति नक्षत्र के शुभ लग्न में शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन सुबह 11:45 का मुहूर्त विवाह के लिए अत्यंत शुभ पाया गया है। अब आप अपनी अपनी थालियां बदलिए। ध्रुवंते राजा वरुणो ध्रुवंते वो बृहस्पति ध्रुवंत इंद्रस्य राष्ट्रं धारयताम ध्रुवम् नवो नवो भवत जायमानोर्ना। आंटी जी एक मिनट। मैंने मन्नत मांगी थी कि सूर्या रिश्ता अपनाएगा तो मंदिर जाऊंगी। ये लीजिए प्रसाद। गांव के सभी लोग तो सूर्या की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ आंटी। कहाँ है सूर्या? एक मिनट। ए, इधर आओ। जी क्या नाम है तुम्हारा? यशोदा। देखो यशोदा, जल्दी से जाकर आरती की थाली लेकर आओ। मैं आंखें बंद कर रही हूँ, मेरी आंखें खुलने तक थाली मेरे हाथ में होनी चाहिए। ठीक है। गांव वालों की नजर, मेरी नजर, तुम्हारी मम्मी की नजर और इस यशोदा की नजर, सबकी नजर पे थू थू थू। यशोदा बाहर फेंक कर आओ। जी ठीक है, अब अंदर आ सकते हो। बिना मुझे जाने अभी आपका बेटा मेरे साथ 7 कदम चला है। सूर्या अपना हाथ दो। ये मेरी तरफ से गिफ्ट। तुम्हारे मन में अगर कोई है तो मैं नहीं जानती, लेकिन मेरे मन में सिर्फ तुम ही तुम हो सूर्या, और हमेशा तुम ही रहोगे।